हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्वीन संगीता। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है वट सावित्री पूजा, तो आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी वट सावित्री पूजा, और आप लोगों का सुहाग इसी तरह बना रहे और सदा अच्छे से रहे पति के साथ, पति की आयु लंबी हो। तो फ्रेंड देखिए, मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ और मैं अभी अपने फेस पर, तो फ्रेंड मैं भी पूजा की तैयारी करने वाली हूँ, तो मैं अभी डाला भरूँगी, नहीं भरी हूँ, और पूजा घर में पहले करूँगी, तब फिर मैं मंदिर मतलब वट ब्रिज के पास जाऊँगी। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर ये लगा ली हूँ ये सीरम, पहले फेस पर ये सीरम अप्लाई की हूँ, और उसके बाद अभी देखिए मैं इसको यूज करूँगी प्राइमर। ये ब्लू हेवन का प्राइमर है, तो मैं बाल को ऐसे ही पानी से धोई हूँ, कल ही वॉश कर ली थी, कल ही मैं बाल को वॉश कर ली थी और आज ऐसे ही पानी से धो ली हूँ, क्योंकि पूजा पाठ ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा प्राइमर, दिख रहा होगा, एकदम थोड़ा सा ली हूँ। इससे हमारे फेस में अच्छा सा एक बेस बन जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके मैं लगा लूँगी, सीरम में लगा ली हूँ। आप लोग भी इसी तरह मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये मेकअप है दिन के लिए, और मैं हल्का मेकअप रखूँगी, ज़्यादा नहीं। ये प्राइमर को भी देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड ये हमारे फेस पर कितनी अच्छी सप्लाई हो गया है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। प्राइमर लगाने के बाद मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, सीसी क्रीम, देख सकते हैं मैं इतना सा निकाली हूँ। बाद मैं यहाँ पे ये ले ली हूँ लैक्मे का फेस पाउडर, मैं इसको भी अप्लाई करूँगी। इसके ऊपर मैं इधर व्हाइट पॉइंट पाउडर भी लगा रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है फेस पर। हाइलाइटर लगाने की, तो देख सकते हैं तो हाइलाइटर में लगा रही हूँ, ब्रश ले ली हूँ।
तो फ्रेंड मैं घर में पूजा करके यहाँ पे वट ब्रिज के पास आ गई हूँ और मेरे साथ हस्बैंड भी आए हैं और बच्चे भी आए हैं। और देखिए थोड़ा दूर पड़ता है हम लोग का ये पेड़, तो बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पंडित जी कथा भी बोल रहे हैं और पूजा भी कर रही हैं लेडीज़ लोग। तो बस यहाँ पर हम लोग पूजा कर ले रहे हैं, उसके बाद मैं कथा भी सुनूंगी। तो सब चीज़ का शूट नहीं हो पाया है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, हस्बैंड बच्चे को संभाल रहे थे और थोड़ा थोड़ा मतलब लिए हैं वीडियो बस। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं पूजा की हूँ और यहाँ पे अभी भीड़ कम है, अभी धीरे धीरे और भीड़ बढ़ेगा तो मैं का शूटिंग नहीं कर पाई पति पूजन का, क्योंकि ना मेरा मोबाइल पूरा ओवर स्टोरेज फुल हो गया था और वहाँ का भी वीडियो वीडियो शूट कर रही थी। तो फिर मैं नहीं, मेरा मोबाइल नहीं काम किया, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा करके हस्बैंड की ड्यूटी निकलना था, वो चले गए हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा लोग खेल रहा है, ये लोग भी गया था हमारे साथ। तो फ्रेंड अभी मैं व्रत में हूँ, अभी मैं कुछ खाई नहीं हूँ और इसी बार शाम में पारण करूँगी। ऐसे तो शरबत पी सकता है लेकिन अभी मुझे प्यास भी नहीं लगी है तो मैं नहीं पी हूँ। और बस देखिए वहाँ पे गई थी तो बहुत सारे सिंदूर नाक से पूरा लगाते हैं, तो लगाई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देखिए ये पत्ता मैं लगाई हूँ माथे में, तो इसको आज पूरा दिन ऐसे ही रखना है। और बस फ्रेंड अभी आई हूँ और खाना बनाना है, अभी 10 बज चुका है। और ठीक है, जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से। मैं बहुत कुछ खोल दी हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, तो ये गल्ला वाला और मांग टीका ये सब खोल दी हूँ और बस अभी खाना बनाऊँगी। और साड़ी पे अभी नहीं खोली हूँ, देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या हुआ? तो ठीक है फ्रेंड, जुड़े रहिए। तो फ्रेंड मैंने खाना पीना बना लिया है और बच्चे लोगों को खिला दी हूँ खाना, और एक बड़ा वाला खाना खा रहा है। और आज मैं खाने में भिंडी आलू की सब्ज़ी और चावल बनाई थी। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं शरबत भी पी ली हूँ क्योंकि 12 बजे के बाद अमावस्या ख़त्म हो गया है। तो मैं बस थोड़ा सा प्यास लग गया था तो शरबत चीनी पानी और नींबू डाल करके बना कर पी लूँ। और काम वाली दीदी आई थी, सारा बर्तन वॉश करके वो चली गई है। तो अभी मेरा सारा घर क्लीन हो चुका है, मैं झाड़ू भी एक बार लगा दी थी क्योंकि पूरा एकदम, मैं जब आई ना वहाँ से पूजा करके तो आम भी आ गया था। फिर मैं पूरा घर को झाड़ू लगाई और कपड़े को भी डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में। तो फ्रेंड मैं अब साड़ी चेंज कर लूँगी, तो एक दो मैंने रील शूट किया है, आप लोग जा कर के मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। और बस अभी हम लोग का सब कुछ हो चुका है, अब मैं साड़ी चेंज करके थोड़ा आराम करूँगी और शाम में पारण है, शाम में पूजा वूजा करके शाम में पारण करूँगी। तो फ्रेंड जुड़े रहिए हमारी ब्लॉग से। तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं दिया बाती कर ली हूँ और अभी मैं फलारी कर रही हूँ। तो देखिए हस्बैंड जी का निकाल ली हूँ और अपना भी निकाल ली हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक।